हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग राजस्थान में आए हुए हैं। लास्ट एपिसोड में हमारे सारे रीति रिवाज पूरे हुए थे और हम रात को सो गए थे। सुबह उठ के मम्मी पापा यहाँ हमारी दूसरी मौसी मतलब परिवार में ही है, उनके घर पे आए थे। तो यहाँ का जो व्यू था इतना प्यारा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। एक हेंजड़ी के पेड़ है, इस पर सांगरी लगती है, देखो कितना सुंदर व्यू है। एडवेंचर के लिए बहुत अच्छा है। ये मम्मी के पास कुत्ता आ गया था, इसलिए मम्मी उसको भगा रही थी। तो ये देखे दोस्तों, इस भाई, आवाज़ को अवॉइड करना। ओके, ट्रैकिंग के लिए ना रेत में ट्रैकिंग करो, बहुत मजा आएगा। ये घर खेतों में बने हुए ढाणी, कल्चर राजस्थान का। यार देखो, हेलो बेटा, हाय बोलो। देखे पानी आवे टाइम में ये बर्तन धो रहे हैं से बर्तन धो रहे, देखो बैठ के। राम राम जी जी दिखा रही हूँ राजस्थान का कल्चर। देखो वीडियो, देख लो पानी टंकी बना रखी है, टंकी में पानी आता है, बर्तन धोने के लिए पानी आता है टैब में। इधर बकरियाँ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बकरी के। ओ ये हमने जान ही नहीं दे रहे हैं, आज भी कह रहे भाई 12:30 बजे तो चाल पड़ी हो तुम, करते करते इतना लेट कर दिया। छोटे छोटे बच्चे। अच्छा ये घर है इनका, मिट्टी का सीमेंट का? वो तो मुर्गे का था पहले ये। अच्छा ये खोर सी तो सब जगह है, उधर भी होती है ये घर। ये दूसरा पोर्शन है। हाँ कई लोग अलग अलग भाइयों के दो दिन का बनाया फिर। हाँ ये सारा टिब्बे अठिन देख लो मारा दो पड़ा आ ये गाय की छान है। हाँ ये गायों के लिए खोल दी, गाय की छान। हाँ अच्छा है सब कुछ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगे ना लगे नहीं, अच्छा है। अच्छा भैंसों के लिए, बकरियों के लिए। ये झाड़ी बेर वाली झाड़ी। अच्छा हाँ छोटे खट्टे मीठे बेर वाली। अच्छा फिर कांटे नहीं चुभते, खाती है बकरी के? बकरी कांटा टाल दी। अच्छा छोड़ देती है टाल टाल के, ये फूस गए रे जमो पे को। इसमें गाय का फूस। अच्छा ये किस चीज का है? मूंगफली का। अच्छा। इसके नीचे लगाया हुआ है तो नीचे। अच्छा ये तो जाटी जूटी का ही हुआ है। अच्छा ये मूंगफली का। हाँ मूंगफली निकाल के इसमें मूंगफली भी होंगी। हाँ खराब है ये वैसे सारी मूंगफली भी है, मूंगफली मिलेगी इसमें। हाँ देखो कोई कोई मूंगफली मिलेगी, एक आध तो आ ही जाओ है ना। अच्छा मूंगफली यहाँ होती है? हाँ नहीं होती है, ये तो बीकानेर साइड हो मूंगफली, बीकानेर साइड में। हाँ ये ले बकरी खाकर। अच्छा ये आप बाहर से लेना पड़ता है? हाँ एक पिक कवर के आई। अच्छा कितने आई मां? कितने रुपये लगे? 20,000 की। 20,000 रुपये की? 20,500 एक पिकअप, एक गाड़ी 20,000 रुपये की। देखो बकरियों के लिए कितना महंगा है सब कुछ। हाँ पूरा साल चलती रहेगी अभी है ना? साल पूरी साल तक के चल रहे दो दो गाय है। अच्छा बकरी बकरा। हाँ वो ज्यादा रहा काट दी बाहर में, या बच्ची है छोटी देखो लकड़ी वकड़ी कुत्तर है। हाँ इन्हें लीप के सही हो जाएगा वापस है ना? नहीं होगा, टूट गया इसका जो फाउंडेशन है ना वो। अच्छा वो कमजोर होगी है तो 20 साल हो गए इसको। अच्छा 20 साल हो गए, 20 से ज्यादा ही होगी। एक गाय का भूसा बनाया। अच्छा इसमें भी वही है ना? नहीं अलग है, बाजरा का। बाजरे अच्छा बाजरा काट के, जैसे जवार होती है ना हमारे इधर, जवार होती है। हाँ बाजरा भी होता है हमारे इधर, लेकिन जवार ज्यादा होती है, बाजरा कम बो है।
मारू सिमाणी में हुए ना बाजरा, जहाँ पानी कम हो वहाँ ज्यादा हुए बाजरा। जवार काट के नहीं अपने डाल ले अंदर पूरा, हाँ सुखा के जवार ने। ये डस्ट छानने के लिए, भैंसों के लिए जो चारा बकरियों के लिए, उसकी डस्ट छान देते हैं इसमें ताकि जानवरों को नुकसान ना हो। हाँ अच्छा, हाँ मिट्टी मिट्टी नीचे चली जाए इसमें, फिर एक जाली लगी हुई इसके अंदर, ये घुमाने का, ऐसे घुमाओ मजा आवे ना इसमें, तो अच्छा लगेगा ना जब घुमावे ना। इसका तो बच्चे शौक शौक में भी घुमा लेते होंगे ना। हाँ जिसका रोज है ना घुमाओ। हाँ हाँ वैसे ही है, जो रोज काम करे ना उसमें इतना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी करो तो ज्यादा अच्छा लगे। इसमें जैसे पानी वोनी से कुछ बोल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होता यार, ये बरसात के टाइम। ये देखिए अच्छा अच्छा बाजरा हो गया। ये पेड़ किस चीज का? ये वाला पेड़ सिसम का पेड़ है। सिसम का, सिसम भी हो गए यहाँ ज्यादातर, ये खेजड़ी सी के पेड़ है ना। खेजड़ी है। हाँ। और खेजड़ी अपने आप हो गया है। अच्छा टिब्बे हैं बहुत सुंदर सुंदर, देखा वो सारे देखो ना उधर, बिल्कुल बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, नेचुरल चीजें एकदम सब कुछ। वो देखो ऐसी सब मैंने लगाई, इतने सारे 100 लगाई, 100 लगाई। यहाँ के लोग भी एकदम नेचुरल, और जमीन भी ज्यादा, पानी पूनी मतलब जो पेड़ वेड़ सब कुछ एकदम नेचुरल, कितना सुंदर। वो आ जाए ना नहर वगैरह कोई, हाँ तो बहुत अच्छा हो जाए। पानी कुएं से निकालना है तो ऐसे बहुत अच्छा सिस्टम है, आराम से हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती इसमें। बाहर से जैसे टंकियों में पानी आता है हमारे यहाँ, ऐसे इसमें आता है बाहर से, इसमें इकट्ठा होता रहता है और फिर ये पंप से ऐसे निकाल लेते हैं। और इधर तो टंकी दिखाई थी मैंने, जो इसमें अपने आप आता है, टैप खोलते हैं, बर्तन धुलते हैं, जो भी काम करना होता है पानी वानी पोछे वोछे के लिए, वो लेके और फिर वापस कर देते हैं बंद इसको। ये देखो ये बारिश के पानी के लिए कितनी अच्छी बात है, हाँ कोई वेस्टेज नहीं पानी की, ये सब जगह होना चाहिए क्योंकि तो जल है तो कल है। देखो बारिश का पानी है, जो फिल्टर पानी होता है उससे, हाँ बहुत अच्छा होता है बारिश का पानी, डायरेक्ट पी सकते हैं उसको। हाँ वो साफ हो जाए ना, नीचे बैठ जाए जो भी धूल मिट्टी हो। इसमें भी आपने ये लगा रखा है, इसमें भी ऐसे ही है। हाँ इसका भी पानी, ये देखो इसको भी ऐसे ही बना रखा है, ये बारिश की पानी का स्टोरेज है जितनी भी है, बहुत अच्छे सिस्टम है, मीठा पानी है एकदम, बहुत अच्छा पानी है। जैसे आरओ से भी, मतलब आरओ का तो पानी नुकसान ही करता है, पीते हैं हम लेकिन अच्छा नहीं रहता अपने आप ही, इसके इसमें से जाता रहता है ना पानी। हाँ देखो ये जाली लगा रखी है, कचरा नहीं जाए अंदर, पानी पानी जाए छन के। तो दोस्तों ये हमारी मौसी के घर का टूर था, बहुत अच्छा सिस्टम है, ये बारिश के पानी को बचाने के लिए टैंक बनाया हुआ है और ऐसे ये पंप के थ्रू करते हैं तो इसमें से पानी निकल के आता है। आरओ का तो खराब हो स्टोर है, वो बारिश के पानी को हर काम में यूज करते हैं। आरओ का तो हमें आदत पड़ी हुई है ना, तो मन नहीं करता पीने का बिना। आरओ अच्छा था, ये पानी मीठा था, आरओ का तो हड्डियां गलाता है, वैसे भी अच्छा नहीं होता, मीठा पानी था, मीठा पानी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे। और ऐसे गाँव की मैं ऐसे आके पियो ना, उससे कितना मीठा लगता है ना पानी, कितना अच्छा टेस्ट आता है।